वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर? अरशद बेग सर। अरशद भाई, आज पाकिस्तान मुस्लिम नून की तरफ से लैया डिस्ट्रिक्ट लैया में बहुत बड़ी रैली निकाली गई है महंगाई के खिलाफ, क्या समझते हैं इस रैली से खान साहब पे कोई असर पड़ेगा? खान साहब को इतना असर पड़ेगा कि आज पूरे पाकिस्तान में जो मुस्लिम लीग नून और पीडीएम का भरपूर एहतजाज है, हुकूमत के ऐवानों में एक लर्जा तारी हो चुका हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला, और इसका असर। स्पेशल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो से आप रह सकें बाखबर। पढ़ चुका है, मैं ये कहूँगा कि वो अब ये सोच रहे हैं कि कैसे आवाम को इन रैलियों से डर के रिलीफ दिया जाए और इनसे जान छुड़वाई जाए। सर, लेकिन पीटीआई के कारकुनों का कहना है कि नून लीग के जो लीडर हैं वो खुद तो बाहर बैठे हैं और आवाम को इस्तेमाल कर रहे हैं। ये उनकी सोच है, नवाज शरीफ नून लीग के और आवाम के दिलों में है और इंशाल्लाह ताला अनकरीब बहुत जल्द वो आवाम के दरमियान में होंगे। आप क्या समझते हैं इस वक्त जो पाकिस्तान में हालिया महंगाई है और जितने कर्जे खान साहब इन 3 सालों में ले चुके हैं, इससे मुल्क आगे तो नहीं गया? आगे कैसे जाना है? ये चीनी चोर है, आटा चोर है, दवाई चोर है, मीडिया पे कदकन लगाने वाले लोग हैं, इन्होंने इदारों को मुतनाजा बना दिया है, पाकिस्तान के मोहतबर इदारों को, मुल्क का हर इदारा इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है, बेड़ा गर्क पाकिस्तान का, गरीब आवाम का, सफेद पोश का कर दिया है। जितनी जल्दी हो सके इमरान नियाजी, पाकिस्तान की जान छोड़ दो, खुदा का वास्ता जान छोड़ दो। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताएं क्या मकसद है आपका आज की ये लैया में बहुत बड़ी रैली निकालने का? सारा मकसद भाई जो है कि सारे मुल्क पे बड़ी महंगाई है, आवाम गरीब है, वो फिसल रहे हैं। आप क्या समझते हैं आपके ये एहतजाज करने से, जुलूस निकालने से महंगाई कम हो जाएगी? साद मता खुदा महंगाई कम थी नहीं होवे, असा अपने अपना तरला मरे दे पाए, अल्लाह कादर करे ने सारा इंसाफ खुदा करे सी। कहाँ से तशरीफ लाए आप? मौला सुमरान शेर